हेलो एंड वेलकम बैक एंड क्या लेते हैं सभी का दिबा फिर से स्वागत है सभी का एक कॉल पबजी रेड गेम प्ले वीडियो के अंदर। अब देखो यार आज ना तुम्हें दो गुना ज्यादा मजा आने वाला है बिकॉज आज ना क्लचेस के साथ साथ तुम्हें देखने को मिलेगा AWM और एटैक्स की स्नाइपिंग वो भी नेक्स्ट लेवल वाली। तो यार वीडियो का ना पूरा एंड तो देखना। अब यहाँ पर देखो इस वाले मैच के अंदर गाइस मैं होता जाते पे ओल्ड वेजिन के अंदर यहाँ पर मतलब बंदों की बात करूँ ना तो देखो यार दो बंदे ना मेरे साथ यहाँ पे लैंडिंग करते हैं भाई दोनों को मैं इजीली नॉक कर चुका था इसी के साथ दोनों को मैं अभी फटाफट से फिनिश कर लेता उसके बाद। अब यहाँ पर ना मेरे एमओ वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका था मेरे को लगा शायद इसके टीममेट भी बाकी है तो भाई मैं ऊपर की साइड जल जाता हूँ यहाँ पर मेरे को ऊंची मिल जाती है और सामने अब बोर्ड को मैं यहाँ पे नॉक कर लेता हूँ। अब इस बोर्ड को फिनिश करने के बाद अब तो स्क्वाड के सिर्फ दो ही बंदों को मैंने नॉक एंड फिनिश किया था। अब यहाँ पे मैं बंदों को जैसे ही ढूंढने की ट्राई करता हूँ ना अब देखो यहाँ पर एक भी घर वगैरह यहाँ पर ओपन नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं समझ चुका हूँ और कोई भी बंदा वगैरह यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पे लूट वगैरह करके अब देखो यहाँ पे थर्ड की साइड जा रहा था। अब तभी देखो राइट की साइड से यहाँ पे जी थ्री वगैरह चल रही थी मैं तो मैं यहाँ पे सीधा बिना रुके यहाँ पे पहले तो थर्ड के अंदर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद अब पीछे एक बोट होता है इसको तो भाई वो जी थ्री वाला बंदा नॉक एंड फिनिश कर देता है। अब जी थ्री वाले बंदे को जैसे मैं स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ अब यहाँ पर मेरे को लगा कि शायद वो बंदा होगा बट वो पीछे वाले वेयर हाउस ही था एंड यहाँ पर अब सामने देखो मतलब जो शेक है ना वहां पर मेरे को बंदा स्पॉट हो चुका था। अब सेंटर रोड की साइड से भी मतलब जीत्री चले मतलब दोनों बंदों के पास जीत्री होती हैं तो पहले तो मैं यहाँ पे कवर में आता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद अब देखो मेरे पास AKM होते हैं वो बंदे जादूगर भी है तो भाई वहां से इन लोगों के साथ फाइट लेना थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल हो जाएगा मतलब बंदे मेरे को पेल के चले जाएंगे तो यहाँ पे पहले तो मेरे को जीतनी चाहिए था। तो यहाँ से देखो मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे लूट वगैरह कर ही रहा होता हूँ और तभी अब देखो सामने कोई बंदा AKM चला रहा था जो कि काफी पास में होता है तो यहाँ से मैं इस वाले बंदे के साथ फाइट ले सकता था। जैसे यहाँ पे आता हूँ देखो सामने की साइड से बंदे के फुटस्टेप भी आते देखो बंदा भी स्पॉट हो जाता है मेरे को। एक बंदे को नॉक होता मतलब वहां पर दो बंदे होते हैं तो भाई इस बंदे को नॉक करने के बाद सीधा जाता है पुश करने के लिए। इसी के साथ यहां पर ये दो ही बंदे होते हैं दोनों को मैं इजीली यहां पर निपटा देता हूं एंड इसके बाद अब पहले तो यहाँ पे मेरे को G3 वगैरह चाहिए था मैं यहाँ पे इन लोगों की क्रेट थी ना वो चेक करता हूँ और भाई फाइनली एक बंदे की क्रेट में मेरे को यहाँ पे G3 मिल जाते हैं ये उठाने के बाद अब मैं उन बंदों के साथ यहाँ पे फाइट ले सकता था। अब यहाँ से लूट वगैरह कंप्लीट करने के बाद अब देखो सीधा मैं यहाँ पे गाड़ी की तरफ आता हूँ और तभी अभी तक मतलब वही बंदे ना भाई सेम जगह होते बिकॉज उन बंदों की गन शॉट अभी भी मेरे को आ रही है और जैसे यहाँ पे शेक में भी देखते हो ना देखो बंदे का हेड ही दिखता है मेरे को और मतलब भाई ये जो नॉक था ना मतलब क्या ही बताऊं। अब इस वाले बंदे को नॉक करने के बाद अब यहाँ पे ये वाले जो AKM का साउंड आता मतलब यहाँ पे इसका जो टीममेट था ना वो यहाँ पर आ चुका है देखो सामने स्पॉट हुआ था मेरे को छत के ऊपर तो ग्रेनेड कुक करता हूँ। अब जैसे ग्रेनेड कुक करता हूँ भाई बंदा पीछे की साइड भाग जाता यहाँ पे देखो जॉन आ चुका था मेरे को पता था बंदा जॉन में जाने का ट्राई करेगा तो बस यार मैं यहां पर आके वेट करता हूं देखो बंदा नीचे कूदता है। और इसी के साथ इस वाले बंदे को मैं यहां पे इजीली यहां पे निपटा देता हूं एंड इसी के साथ अब जाकर यहां पे थर्ड हिल पूरा क्लियर हो जाता है। अब इन वाले बंदों को निपटाने के बाद देखो बंदे कम ही बचे थे यहां पर सर्कल जो था वो पायलट प्लाजा की साइड बना था मैं वहां पर जाने वाला था एंड तभी देखो अब इस डिस्ट्रिक्ट की साइड से मेरे को यहां पर कुछ स्प्रे आता है जो कि किसी बंदे का होता है तो यहां पे मैं गाड़ी घुमाने के बाद सीधा पहले तो पे कवर में आता हूं देखो बंदा होता है सामने की साइड। अब यहां से बंदे को स्पॉट करने के ट्राई करता हूं पर पता नहीं यार बंदा कहां पड़ता मैं यहां पे जैसे यहां पे क्लोज इन करता हूं अब यहां पर बंदे ने मेरे को देख लिया था जो कि ऊपर छत की साइड होता तो यहां पर आने के बाद पहले तो मैं ग्रेनेड ट्राई करता हूं
अब ग्रेनेड से ना बंदा थोड़ा सा अभी डैमेज होता, मतलब ये बार थी आपने पुश करने की, बिकॉज मेरे पास और कोई भी ग्रेनेड वगैरह नहीं था। एंड जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, बंदा ऊपर की साइड कैंप कर रहा था। और भाई इजीली नॉक करता हूँ। अब इस बंदे को फिनिश करने के बाद देखो ये वाला बंदा भी नॉक हो सकता है, इसके टीममेट भी यहाँ पे आसपास ही हो। और देखो सामने, अब देखो मेरे को ऐसा लगा है शायद गाड़ी वगैरह वहां पर, बट वो वाला यूएमपी का स्किन का जो क्रेड होता है ना वो था है। मतलब यहाँ पर और भी बंदे थे बट वो शायद से यहाँ पे निकल चुके थे। मैं यहाँ पे गाड़ी लेके सीधा जॉन में आ जाता हूँ, यानी कि सर्कल के अंदर आ जाता हूँ। एंड जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ भाई, दो स्क्वाड के बीच में ना आपस में फाइट हो जाता है, मतलब एक स्क्वाड दूसरे स्क्वाड को मार देती है। एंड अब बचे थे लास्ट वाले तीन बंदे, उनको ढूंढते सीधा मैं यहाँ पे हिल की साइड आता हूँ, जहाँ पर बंदों को स्पॉट करने के ट्राई करता हूँ। एंड देखो सामने फाइनली मेरे को यहाँ पर एक सामने बंदा स्पॉट होता है। जैसे इस वाले बंदे को नॉक करता हूँ, अब यहाँ पर ना लिटरली मैं कवर में आ चुका था, बट भाई बंदे को कैसे स्पॉट हो गया मेरे को नहीं पता, बट ये वाला मैच मेरा खराब हो जाता है। अब आते हैं इस वाले मैच के अंदर, जहाँ तो मैं डब्ल्यूएम की फाइट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर भी देखो मैं उतर जाता था आइसलैंड के अंदर, यहाँ पर बंदों की बात करूँ ना तो सिर्फ ये अकेला ही बंदा यहाँ पर आता है, और जिसको मैं उतरते यहाँ पे मार देता हूँ। अब इस वाले बंदे को मारने के बाद अब यहाँ से देखो लूट वगैरह करके मैं नाव लेके सीधा तो सिंह डेल्टा की साइड। अब यहाँ पर मैं गाड़ी लेने के लिए आया था, बट तभी देखो सामने जो वाटर सिटी है ना वहां पर मेरे को कुछ गन साउंड्स आ रहे थे, तो एक रियल बंदा बोट को मार रहा था। मैं यहाँ पे स्प्रे देता हूँ, रियल बंदे को नॉक करता हूँ। अब सामने बंदे और बोर दोनों का किल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पास में जो यूजर थी ना वो वाली यूजर उठा के सीधा जाता हूँ यहाँ पे ड्रॉप के पास, और यहाँ पे ड्रॉप में तुम देखो मतलब AWM और ATX दोनों मेरे को यहाँ पे मिल जाती हैं। और ये वाली गन उठाने के बाद अब देखो यहाँ पर मेरा मूड पूरा स्नाइपिंग करने का ही था, तो यहाँ से मैं जा रहा होता हूँ ना तब देखो स्टेडियम की साइड से कुछ मेरे को गन साउंड्स आते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर आके स्कोप ओपन करता हूँ, मेरे यहाँ पे रेड डॉट लगा हुआ था, जैसे मैं ATX लगाता हूँ देखो सामने की साइड से एक गंदा सा स्प्रे आता जो कि लिटरली मेरे को काफ़ी डैमेज करता है। तो पहले तो मैं अभी हील करता हूँ, उसके जस्ट बाद पहला हेडशॉट मैं इस वाले बंदे को देता हूँ। फिर ये बंदा ना सामने कवर में जा चुका था, इसका मतलब भाई और भी बंदे होंगे यहाँ पे, तो कार लेके जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अब सामने मेरे को एक बंदा स्पॉट था। इजीली मैं इस वाले बंदे को नॉक एंड फिनिश करता हूँ। जिस बंदे को मैंने नॉक किया था ना वो बंदा रिवाइव हो चुका था, एंड वो वाला बंदा आ चुका था स्टेडियम के अंदर। अब बंदे के देखो मेरे को फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ चुके थे, तो मैं यहाँ पे कुछ ग्रेनेड यहाँ पे ट्राई करता हूँ। इस वाले ग्रेनेड से बंदा थोड़ा सा अभी डैमेज होता है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे ट्राई करता हूँ। अब बंदा यहाँ पर फिर से थोड़ा सा डैमेज होता है, वो बंदा बाहर की साइड कुछ फेंकता है, यार मेरे को लगा शायद ग्रेनेड वगैरह होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ, बट यहाँ पर स्मोक ही होता है। तो भाई इजिली घुस के इस वाले बंदे को मैं फिनिश कर लेता हूँ, इस वाले बंदे को निपटाने के बाद। अब देखो यार गार्ड लेके सीधा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, बिकॉज मेरे को यहाँ पे ना कुछ बोट फायर आया था। अब यहाँ पर मैं बोट को स्पॉट कर ही रहा था, तभी देखो सामने मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, क्योंकि भाई ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रहा था। इसी हेडशॉट के साथ इस वाले बंदे को मैं इजीली निपटा देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से बगी लेके सीधा मैं इस वाले घर की साइड आ जाता हूँ। अब यहाँ पर ये सर्कल में बिल्कुल मिडिल साइड था, मेरे को लगा शायद सर्कल यहीं पे बनेगा। अब जैसे यहाँ पर आने के बाद देखो मैं ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रहा था, और तभी मतलब भाई क्या ही हेडशॉट था, ये वाला गाड़ी वाला बंदा आ जाता, मैं इजीली इस वाले बंदे को हेडशॉट दे देता हूँ। एंड इसके बाद अब देखो ऊपर चढ़ने का ट्राई करता हूँ, और तभी अब पहाड़ की साइड से स्प्रे आता है। मैं समझ चुका भाई, मैंने थोड़ी देर पहले वहां पर चेक किया था, बट कोई बंदा मेरे को स्पॉट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे मैं पहले कुछ स्मोक कर लेता हूँ। और स्मोक करने के बाद अब पहले तो मेरे को यहाँ पे कवर में जाना था,
अब जैसे मैं यहाँ पे कवर में आता हूँ ना, यहाँ पर मैं फिर से उस वाले बंदे को देखने के ट्राई करता, बट वो बंदा वहां पर मेरे को मिलता ही नहीं है। तो यहाँ से वापस मैं स्केटिंग करता भाई, सर्कल के अंदर आ जाता हूँ और सामने भाई मतलब क्या ही हेडशॉट मिस किया मैंने। अब मेरे को लगा शायद बंदा वहां पर फिर से यहाँ पे पीक देखा, वो बंदा ना भाई दूसरी खिड़की में जाता है और थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली बंदा पीक कर देता है। मैं इजीली इस वाले बंदे को भी अभी नॉक कर लेता हूँ और उसके बाद शायद से मेरे को लगा इसके टीममेट्स के आसपास जगह मतलब रिवाइव दे देंगे। तो भाई मैं जैसे यहाँ पे क्लोजिंग मारता हूँ, ये अकेला ही बंदा होता मैं इसको छोड़ देता ताकि इसके टीममेट मेरे को मिल जाए। अब ये तो एक बॉट ही होता है, इसको इग्नोर मारते हैं। अब देखो एक जो बंदा था ना जो पहाड़ से मेरे को डैमेज दे रहा था ना, फाइनली अब इसी का टीममेट वही बंदा होता है एंड वो बंदा भी मेरे को स्पॉट हो जाता है जो कि सामने पेड़ है ना भाई वहां पर होता है। इजीली इस वाले बंदे को भी निपटा देता हूं एंड अब बचा था लास्ट वाला बंदा जो कि एक बॉट ही होता है। तो गाइस वो पहले वाला गेम प्ले भी तुम्हें पसंद आया, पसंद आया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल में दे तो सब्सक्राइब भी कर दे। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।